हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं अलीगढ़। अलीगढ़ में एक महिला ने आपका गणेश चतुर्थी का पूजा किया तो आई उनके ऊपर फतवा जारी हो जाता है, आखिर क्यों? तो आइए जानते हैं वो मामला क्या था। मामला है आपका, ये है अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का। वहाँ पे आपका भारतीय जनता पार्टी की नेता जो रही हैं वो रूबीन खान जी, वो विवादों में फंस गई हैं। उन्होंने अभी गणेश चतुर्थी के पूजा में आपका गणेश जी का मूर्ति अपने घर में बैठाया था और गणेश जी की पूजा की थी। तो इस पर जो है बीजेपी के जो नेता है उन्होंने इन्हें इसे जिहादी बताया है और रूबीन खान जी के ऊपर मुफ्ती अरशद फारूक ने फतवा जारी कर दिया है। तो रूबीन खान जो हैं वो आखिर हमारा जो देश है वो सेकुलर है, हम लोग किसी भी धर्म को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई आप मुसलमान हो तो आप हिंदू का पूजा पर्व नहीं कर सकते, आप हिंदू हो तो मुस्लिम मस्जिद मजार नहीं जा सकते, इस तरह का कोई कहीं भी आपका ऐसा कोई रूल या रेगुलेशन नहीं है। तो आखिर क्यों इस तरह से आप धर्म के नाम पे ये धर्म को बदनाम करते हो? हम सब एक हैं, जिसका जो इच्छा हर कोई स्वतंत्र है। कोई मुस्लिम होकर के हिंदू के भगवान का पूजा कर सकता है, मुस्लिम लोग हिंदू के भगवान का पूजा कर सकते हैं, हिंदू लोग मुस्लिम के भगवान का पूजा कर सकते हैं। इस पर कोई भी आपका एक धर्म का एजेंडा तो मतलब फैलाना ही नहीं चाहिए। तो उनके ऊपर फतवा जारी हो गया है। तो रूबीन खान जी कहती हैं मुझे फतवा का कोई परवाह नहीं, मैं जैसे वो पहले से हिंदू राधा कृष्ण का पूजा करती हैं, राम का पूजा करती हैं, तो वो कहती हैं मुझे इससे कोई परवाह नहीं, मैं आगे भी इसे कंटिन्यू रखूँगी और जो भी फतवा भेज रहा है मुझे इसका कोई डर नहीं। और वो ये कहती हैं कि इस्लाम में आपका मूर्ति पूजन नहीं होता है, तो उन्होंने ये बात कहा। और वो कहती हैं कि इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं होता और हिंदू में जो है बहुत लोकप्रिय है, हिंदुइज्म में हमारा बहुत लोकप्रिय है गणेश जी। तो वो कहती हैं कि मुझे फतवा का कोई फिक्र नहीं और मैं हिंदू में जो गणेश जी की इतनी पूजा श्रद्धा से होती है मैं उसे सेलिब्रेट कर सकती हूँ। इस्लाम में उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की पूजा होती है, अल्लाह के अलावा और कोई पूजा नहीं होता। तो ये सब बात उन्होंने की है। तो मेरा ये मानना है कि धर्म को लेकर के इस तरह का मतलब मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। आज हम कहाँ 5G की ओर बढ़ रहे हैं और लोगों की ऐसी मानसिकता, इसे आप फतवा जारी कर दो, इसे जिहादी कह दो, इस तरह का क्रिटिसिज्म हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम सब एक हैं और तरह की मतलब बातें तो आनी ही नहीं चाहिए समाज में, लेकिन फिर भी ऐसा मुद्दा आता है। हर लोग स्वतंत्र हैं, हर लोग अपने अकॉर्डिंग किसी का भी पूजा कर सकते हो, तो कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन इस तरह का जो आप फतवा जारी कर दोगे, इस तरह को जिहादी कह दोगे, अरे भाई उनका मन है, अगर वो गणेश हिंदू के पूजा को हिंदू के गणेश जी को के पूजा को देख करके उनको खुशी होता है, सेलिब्रेट कर रही है, तो करने दो, इसमें क्या दिक्कत है? आपका क्या इस पर राय है? क्या हमें इस तरह की सोच रखना आज भी शोभा देता है? तो कैसे, अगर आपके जो भी राय हो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक यू।